हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये बाली बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये तीन तीन ग्रो का डायमंड है, तो मैं 20 mm का सर्कल ले लेता हूँ। मैं इनर आईडी 20 mm ले रहा हूँ, उसके हिसाब से आउटर आईडी होगा। ये बाली देख के थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं 20 mm का साइज लेता हूँ, इनर आईडी है, ठीक है। अभी इसका मिनिमम जितना चाहिए ना मुझे ये लिंकिंग के लिए, तो 1.8 तो चाहिए मुझे, 0.6 0.6 0.6 हिंज लिंकिंग के लिए। तो मैं इसको 1.8 का ऑफसेट कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, 2.1 भी ले सकते हो, 0.7 0.7 0.7 के हिसाब से 2.1 ही लेके देता हूँ। अभी बाली थोड़ा भरा है, 2.1 ले, ठीक है। और एक चीज़, मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे कान का जो थिकनेस रहता है ना, ये 5 से 6 mm रखते हैं, तो मैं 6 mm का एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। मैं फ्रंट से बना रहा हूँ, तो आपका डायमंड बार टॉप में दिखेगा। तो ये मैं 6 mm लिया, ये 6 mm मेरा कान का थिकनेस रहेगा, ये गैप रहेगा 6 mm, ठीक है। तो ये पर मैं काट लेता हूँ, 6 mm हो गया। तो ये मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक जो पोस्ट के लिए यहाँ पे एक 0.8 का मेटल देना है, ठीक है। ये वाला पार्ट को इससे काट देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको नीचे भी दे देते, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर रखते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, मैं इसको अलग से ग्रुप कर देता हूँ, कलर देता हूँ अलग से, टाइमर 2 में मुझे 3 रो का डायमंड है, तो मैं 1.3 के हिसाब से देखता हूँ डायमंड साइज। तो 3 रो में क्या साइज होगा, मैं अब मैं 1.3 का एक डायमंड लिया, इसको मैंने 0.15 का ऑफसेट दिया, या 0.18 दे देता हूँ, बीच में एक ही प्रॉन्ग है ना, तो 0.15 का ऑफसेट दिया, ये डायमंड टू डायमंड गैप के लिए। ये 3 रो में मेरा मेजरमेंट आ रहा है 4.5, ठीक है। अभी उसके बाहर एक सिलाई वाले हल्का, नहीं इसमें इसमें आपका सिलाई वाल नहीं है, तो 4.5 का आपका ये चौड़ाई होगा 1.3 के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने रेड कलर का जो आईडी लिया था, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 4.5 by 2, 4.5 का थिकनेस दे देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, ये वाला पार्ट भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 4.5, ठीक है। इसमें पावे है थोड़ा, तो मैं थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, 4.5 प्लस आपका, मैं 0.6 का दोनों साइड से वॉल पकड़ रहा हूँ, तो प्लस 1.2 यानी 6.7 होगा। मैं 6.7 का दे देता हूँ, इसको मैं स्केल करके 6.7 by 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसका सिलाई वाल करते हैं, लॉक कर देता हूँ, ये डायमंड पर मैं हाफ तक ही रखता हूँ, ठीक है। इसका हाफ पार्ट में सिलाई वाल करेंगे, ये पावर सेटिंग करेंगे।
ऊपर का सरफेस मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाकी का पार्ट मैं ब्लॉक करता हूँ। इसको डुप्लीकेट बॉर्डर ऑफसेट सरफेस 0.4 1.6 मैं 0.4 0.6 यानी मैंने 0.4 का वॉल रखा और 0.2 का स्लांट रखा। तो ये पार्ट डिलीट कर देता हूँ स्प्लिट करके। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, सॉलिड ऑफ करना है 0.4। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट बॉर्डर लेके भी कर सकते हो आप, या तो लॉक भी कर सकते हो। मैं लॉक कर लेता हूँ, मैं हाफ तक फिलहाल कर रहा हूँ, देखेंगे डायमंड कर्व कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो अगर कम, जितना कम होगा उतना मैं मेटल फिल कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इतना मैं पावर का वाल ले लिया। इसका बॉटम हाफ जो है ना, ये जाली है, सॉलिड नहीं है, वो भी बना लेंगे। पहले मैं डायमंड पेस्टिंग कर लेता हूँ, बाकी का पार्ट हाइड किया। एक आइसो कर्व ले लेता हूँ सेंटर में। ठीक है, तो एक्सिस क्लिक करके जेम ऑन कर्व मैंने 1.3 के हिसाब से लिया था, तो मुझे 1.3 का डायमंड पेस्टिंग करना है। 1.3 क्या 0.15 और ये जेड ऑफसेट 0.4 फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसको मुझे कॉपी करना है 1.3 प्लस 0.15 यानी 1.45 1.5। शायद ज्यादा ले लिया होगा, 6.7 मेरा 4.5 हो रहा था, देख लेता हूँ एक बार। मैंने इसका थिकनेस ज्यादा कर दिया, 1.3 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3। अच्छा, मैंने 1.5 ले लिया था वो। ठीक है, मैं 1.3 के हिसाब से कर लेता हूँ, मैं मेटल फिर से बना लेता हूँ। डायमंड पेस्टिंग मेरा हो गया, मैं रॉन्ग प्लेस कर दूँ। मेटल में फिर से बना लेता हूँ। मेरा ये मेजरमेंट है, ये है मेरा 4.2 है, 4.2 प्लस 0.6 प्लस 0.6 यानी 5.4, 5.5 mm का करेंगे तो चलेगा। तो मैं इसको स्केल करके 5.5 mm कर देता हूँ, तो 5.5 by 2। मैंने मेजरमेंट मिस्टेक किया था, ज़्यादा ले लिया था। ठीक है, इसको मैं हाफ मिरर कर देता हूँ, ये हाफ था। ठीक है, अभी मैं इसमें पावे कर देता हूँ, ऊपर का सरफेस कॉपी किया, बाकी पार्ट लॉक किया, डुप्लीकेट बॉर्डर 0.4 0.6 दो ऑफसेट लिया। अभी इससे मैं स्प्लिट कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, फिर इसको ऑफसेट किया 0.4। ठीक है, अब ये वाला पार्ट मैंने लॉक किया, अब डुप्लीकेट बॉर्डर लेके स्विफ्ट टू भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं डायमंड लेके आता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया डायमंड पार्ट।
मुझे हाफ तक बिठाना है डायमंड, मैं फिर से और एक बार बिछा इसको एक्सिस क्लिक करके डायमंड कर्व में थोड़ा सा यहाँ तक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी किया 1.45। ठीक है, ये मेरा डायमंड बेल्ट पार्ट हो गया। अभी क्या करना है, मुझे इसमें डायमंड का ड्रिल कर देना है। मैं इसको ड्रिल जेम कटर लेके आर पार ड्रिल होगा, प्रॉन्ग सेटिंग है, प्रॉन्ग सेटिंग में ड्रिल आपका नीचे तक रहता है। अगर ये आपका माइक्रो सेटिंग होगा तो माइक्रो में आपका थोड़ा सा ही ड्रिल होता है, माइक्रो में आर पार ड्रिल नहीं होता अगर आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, अब इतना जो मेटल मेरे मुझे दिख रहा है ये मैं मेटल पैक कर दूंगा। क्या क्या, दो एज, तीनों एज ले लिया, फिर मैं इसको लॉक कर दिया। यहाँ से मैं स्प्लिट आइसो कर्व लेके सर्फेस को स्प्लिट कर दिया, फिर इसको मैं थिकनेस दे देता हूँ पॉइंट सॉलिड ईएस करना है 0.2। ठीक है, ये मेरा डायमंड कट हो गया, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे बॉटम हाफ बनाना है। तो बॉटम हाफ कैसे बनाएंगे, ये मैंने 2.1 का थिकनेस लिया था, तो मैं 0.7 का एक सर्कल लेता हूँ, 0.7 का ऑफसेट करता हूँ, तो 2.1 हो गया। इसको सेंटर में एक पॉइंट ले लेता हूँ। मैं इसका जो हिंज है ना वो यहाँ पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, आउटर कर्व को मैं थोड़ा सा स्केल मार के थोड़ा इसके बाहर मैं 0.7 का एक ऑफसेट ले लेता हूँ। ठीक है, आपसे मैं थोड़ा सा नीचे लिया, ये वाला पार्ट को थोड़ा सा आपको बड़ा करना है, आउटर से थोड़ा बड़ा, इसको मैं 0.7 का ऑफसेट मार दूं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, मैं इसको काट लेता हूँ, नीचे वाला आईडी को काट दी। ये मेरा हिंज पार्ट है, तो इसको मैं बाकी पार्ट हाइड करता हूँ, इसको डिवाइड डुप्लीकेट एज लेता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट में। ठीक है, इसको कट प्लेन लेके बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गया। मैं नीचे के साथ 1 पार्ट रखता हूँ, ऊपर के साथ 2 पार्ट, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, बाकी पार्ट ऊपर के साथ रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा लॉक पार्ट हो गया। अभी क्या करना है, मुझे इसको जाली बनाना है, सॉलिड नहीं है तो जाली बनाना है। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने सरफेस कॉपी किया, तो मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ 0.9 रखता हूँ। ठीक है, इसको मिरर किया 0.9, और एक सेंटर वाला को मैं 0.9 कर लेता हूँ, इसको मैं 0.9 का थिकनेस दे देता हूँ 0.45। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब इसके अंदर मुझे सपोर्ट डालना है, अंदर सपोर्ट डालना है। हम कैसे डालेंगे, टॉपिक है इसको लॉक की। पॉइंट फाइव का यानी 1 एम का मैं सपोर्ट डालूंगा।
इसको मैं रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे तीन सपोर्ट डालूंगा मैं। इमेज में देख लेता हूँ कितना सपोर्ट है, एक दो तीन, तीन सपोर्ट है, मैं अभी तीन सपोर्ट ही डालूंगा। आपको मैं एक्सपोर्ट किया बोथ साइड, ठीक है। अभी ये पार्ट टू में बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। मैं उसका एक पार्ट कॉपी रखा था जो मैं डिलीट किया, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट है तो इसको मैं एक्सप्लोर करके स्केल करके बड़ा कर देता हूँ स्केल, ठीक है। अभी बीच वाला मैंने कॉपी करके रखा था तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जाली हो गया, इसको मैं सेम कलर कर देता हूँ। अभी क्या करना है मुझे, इधर पोस्ट रखेगा काम के लिए। इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इम्प्रेशन देकर रखना है कैड में, यहाँ पे 0.8 का पाइप लेना है, लेके ये पार्ट को मुझे काट देना है। कैड से हमें इतना ही देना है, ठीक है। मैं एक बार अलग करके दिखा लेता हूँ, ये ऐसा रहता है, ठीक है। यारिंग है तो मुझे पार्ट कॉपी करना पड़ेगा, इयरिंग पेयर में बनता है पीस में नहीं, ठीक है। ऐसा रहता है। मैं यहाँ पे पाइप जो लिया था वो भी मैं रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बाली रेडी हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड प्लीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।